हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ निखिल। आपका स्वागत है मेरे चैनल निखिल एग्जोटिक बर्ड पे। ये मेरे दोनों अफ्रीकन ग्रे मेल एंड फीमेल हैं, फुली एडल्ट हैं, मगर इनका बॉन्डिंग नहीं है, दोनों में बॉन्डिंग अच्छा नहीं है। इनका बॉन्डिंग दोनों का मेरे साथ ही है, और ये देख सकते हो आप, ये फीमेल है जो इस तरफ है, इस तरफ है वो मेल है। इसका नाम रानी है, इसका नाम राजा है। और अफ्रीकन ग्रे एक बड़े बर्ड में आता है और दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट पैरोट होता है। दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट पैरोट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर 5 साल के बच्चे जितना दिमाग होता है। ये किसी भी शब्द को याद रख सकता है, इसके अंदर 2000 वर्ड याद रखने की एबिलिटी होती है। इसकी एज 80 साल के आसपास होती है, और ये इसका मेच्योरपन 6 साल में आता है। अगर कैप्टिविटी में हो तो 4 साल में आ जाता है, बाकी वाइल्ड में 6 साल में ये ब्रीडिंग लायक होते हैं और 80 साल तक जी सकते हैं। ये बहुत अच्छे टॉकर होते हैं, इनके अंदर टॉकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। ये शब्दों को याद रख सकते हैं, इसके बाद ये कलर को याद रख सकते हैं, बनावट को याद रख सकते हैं, और काफ़ी अच्छे बॉन्ड बना सकते हैं ये अपने मालिक के साथ, अगर आप इन्हें टेम से ख़रीदते हो तो। अच्छा, इसका अराउंड वाइल्ड पेयर का अभी 2023 के अंदर 1,40,000 के आसपास पेयर का पड़ता है जोड़ा वाइल्ड, और टेम लेने जाओगे अच्छा बॉन्डिंग वाला तो वो आराम से आपको बड़े पेयर में 1,70,000 के आसपास पड़ेगा, और इनका बच्चा 50 से 55 हज़ार रुपये का पड़ता है हैंड सेल्फ फिट वाला। और ये मेरे दोनों बर्ड हैं, ये देखिए, एक ये इस तरफ है फीमेल। अब बेटा ये टॉकिंग बहुत अच्छी करता है, ये थोड़ा सा सुस्त हो रहा था इसलिए मैंने इसको इधर, मैंने कहा धूप में लेके आऊँ, इसको थोड़ा सा धूप खिलाता हूँ ताकि थोड़ा सही हो जाए। सर्दी में ये चीज़ मायने रखती है कि आपका बर्ड अंदरूनी जगह पे हो तो जो धूप से D3 मिलता है वो इन्हें नहीं मिल पाता है, ये सर्दी लग जाती है इनको जल्दी, तो आप हो सके उतनी इनको धूप प्रोवाइड करें, धूप में रखें, बाकी तो ये बर्ड आराम से रह पाते हैं। अच्छा, ये बर्ड हाई फैट कंटेंट होता है, इनको पाम नट, सनफ्लावर, मिक्स दाना, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स सब प्रोवाइड करना पड़ता है क्योंकि इसकी बनावट को उस तरीके से रखने के लिए आपको, क्योंकि ये कॉन्गो अफ्रीकन ग्रे है फुल साइज़ का, इसके अंदर अफ्रीका के अंदर ये डीप एरिया में रहते हैं, वर्षावनों में रहते हैं, बहुत शाइन बर्ड होते हैं ये, बहुत कम नज़र आते हैं, और इनको फीड के अंदर ये सभी प्रकार के फ्रूट, वेजिटेबल्स, नट्स आराम से खा लेते हैं। इनको बादाम, अखरोट सब डालनी पड़ती है सर्दी में, बॉयल्ड अंडे देने पड़ते हैं ताकि इनकी बनावट बनी रहे, यानी कि ये एज इट इज इनकी, ये देखो एक पाइनएप्पल कोनियर आ गया है, अभी ये रानी इसको भगा देगी। आप देख सकते हैं रानी तो एक्टिव है मगर ये जो राजा है वो थोड़ा सा सुस्त हो रहा है, तो मैंने सोचा इसको धूप में लाके इधर थोड़ा सा चार्ज कर लें। इनको पाम नट्स भी दिए जाते हैं ऑयल कंटेंट के लिए, आप इसको आप सभी तरह के ऑयल सॉफ्ट फूड के अंदर ऐड करके दे सकते हो, इनका ऑयल कंटेंट बना रहे, नहीं तो क्या है आप जब भी इनके हाथ ऊपर यूँ हाथ लगाओगे तो ये वाइट कलर का पाउडर फॉर्म में जैसे निकलेगा, ये देखिए क्या होता, बहुत अच्छा टेम है, फुल्ली टेम है, सुपर टेम बोल सकते हो आप इन्हें। ये पहले मैं नीचे रखता था इनको, मगर अभी क्या काफ़ी टाइम से मैं इनका बॉन्ड बनाने के लिए मैं इसको ऊपर ला के रख रखा है मैंने, ताकि क्या है ये इजीली एक दूसरे के साथ दोस्ती कर सके और मुझे अच्छी ब्रीड दें, मगर ये पॉसिबल नहीं हो पाया। ये देखिए ये
ये बहुत बदमाश है, ये जैकेट को फाड़ रही है ये मेरे कान के। नहीं बेटा, अफ्रीकन ग्रे की ब्रीड लेना आसान नहीं है, बड़े बड़े ब्रीडर भी इनसे आसानी से ब्रीड नहीं ले पाते। ये इनकी ब्रीड लेने के लिए आपको बिल्कुल अलग केज, सेपरेट केज, शांत जगह, डाइट चार्ट इसका मेंटेन करना पड़ता है, तभी ये आइजीली ब्रीड दे पाते हैं। और मेरे हिसाब से टेम बर्ड इतना अच्छा ब्रीड नहीं देता, क्योंकि मेरे पास ये दोनों टेम हैं और अभी तक इन्होंने बॉन्ड ही नहीं बनाई है। जब तक मेरे से दुश्मनी नहीं करेंगे तब तक ये खुद से दोस्ती नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं बेटा। और ये रानी तो इस राजा को बेचारे को मारती है। हाँ क्या हुआ, कौन है, देख अंदर कौन है, देखो कौन है अंदर। और ये भाई साहब हमारे छत पे बैठे हुए हैं, क्योंकि इसको पता है ये रानी बदमाश है। आप हमेशा अपने बर्ड को मॉनिटर करते रहें कि वो क्या कर रहा है, खाना खा रहा है या नहीं खा रहा है, या वो डाइट कैसी ले रहा है। वरना क्या होगा कि आप सोचेंगे बर्ड खाना खा रहा है, रह रहा है अच्छा तरीके से, तो फिर कभी कभी क्या होता है, हम धोखे में रह जाते हैं और बर्ड बीमार हो जाता है और वो उसकी कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती है कि उसकी मौत हो जाती है। इसलिए हर चीज़ मायने रखती है। आप आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को बजाएं, ताकि मैं अपने नए नए वीडियो की अपडेट आपको देता रहूँ और आपको भी इजीली मिलती रहे। और अगर मुझसे कुछ गलतियाँ हो रही है वीडियो बनाने में या मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है तो प्लीज़ कमेंट करें।